नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों की ओर से जाति बनाने के बयान पर नवीन जयहिंद ने प्रतिक्रिया देते हुए मोहन भागवत से सवाल किया कि हिंदू धर्म में तो पंडितों ने जातियां बना दी, तो धर्म किसने बनाए हैं? और जो अलग अलग धर्मों में जातियां हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में जातियां, सिख धर्म में जातियां और ईसाई धर्म में जो जातियां हैं, क्या वे भी पंडितों ने बनाई हैं? नवीन जयहिंद ने कहा कि मोहन भागवत को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और राजनीति और जातिवाद के नाम पर पंडितों को टारगेट करना बंद करना चाहिए। ब्राह्मणों को वोट बैंक के नाम पर बदनाम करना बंद करना चाहिए। साथ ही नवीन जयहिंद ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे मोहन भागवत में औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है। अगर सच में ऐसा होता है तो उन्हें सद्बुद्धि के लिए गंगा जी में स्नान करना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा करवानी चाहिए, क्योंकि उनका बयान बिल्कुल निराधार है। नवीन जयहिंद ने कहा कि जातियां, वर्ण, वर्ग किसने बनाए, किसने नहीं, मोहन भागवत उस पंडित का नाम बताए, नहीं तो अपने दिए हुए बयान पर माफी मांगे। साथ ही नवीन जैन ने कहा कि जो लोग ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं और उनके साथ मिलकर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, जब जेएनयू में ब्राह्मण भारत जोड़ों के नारे लगते हैं, जब कश्मीर में ब्राह्मणों को मारा जाता है, तो उस समय से लोग कुछ क्यों नहीं बोलते और अब कहते हैं कि ब्राह्मणों की वजह से जातिवाद फैल रहा है, तो क्या दूसरे धर्मों में जो जातियाँ हैं, क्या वे भी ब्राह्मणों ने बनाई हैं? साथ ही महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने इसका जिक्र किया है और रामचरितमानस में भी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान का जिक्र किया है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वाल्मीकि को भी ब्राह्मणों ने बताया है क्या? नवीन जयहिंद ने भाजपा के सभी ब्राह्मण नेताओं और अन्य किसी भी दल के ब्राह्मण नेताओं को चेताते हुए कहा है कि वे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, क्या उनका स्वाभिमान खत्म हो चुका है? चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है कि हिंदू धर्म में पंडितों ने जातियां बनाई हैं, भगवान ने नहीं। तो मैं मोहन भागवत जी से ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो पंडितों ने जातियां बना दी, तो फिर ये धर्म किसने बनाए? और फिर मुस्लिम धर्म में जो जातियां हैं, सिख धर्म में जो जातियां हैं, ईसाई धर्म में जो हैं, अलग अलग पंथ हैं, वो भी क्या पंडितों ने बनाए हैं? तो इस बयान के ऊपर मोहन भागवत जी को मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए। और जातिवाद और धर्म के नाम पे कौन राजनीति करता है, ये कम से कम ब्राह्मणों को टारगेट करके ये काम नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि मोहन भागवत जी की आत्मा में शायद औरंगजेब की आत्मा आगे घुस गई हो, तो अगर ऐसा है तो उनको गंगा जी में डुबकी लगवानी चाहिए, गंगा जल तक उनका स्नान करवाना चाहिए, भागवत कथा करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका बयान है वो बयान बिल्कुल सही नहीं है। और जातियां, वर्ण, वर्ग किसने बनाया, किसने नहीं, या तो उस पंडित का नाम बताएं भागवत जी किसने बनाई है। और हम ये कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर माफी मांगे, लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके गुस्सा है और समाज में इस चीज को लेके मैसेज बिल्कुल गलत जाता, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। या तो फिर वो जो ब्राह्मणों को विदेशी कहने वाले हैं उनके साथ मिलकर ये बात कह रहे हैं वो, जब पंडितों की बात आती है, जब जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते। जब कश्मीर में पंडितों को मारा जाता है तब कुछ नहीं बोला जा रहा, अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण पंडित जो है उनकी वजह से जातिवाद है। तो दूसरे धर्मों में भी जातियां हैं, वो भी पंडितों ने बना रखी है क्या? तो मुझे लगता है उनको सद्बुद्धि के लिए गंगा जल में स्नान करवाना चाहिए। हो सकता है औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई हो। और जितने भी लोग हैं, मैं ये भी बात कहूंगा, बीजेपी के खासकर जो नेता हैं उनको कहना चाहूंगा, कुछ मान सम्मान स्वाभिमान है कि नहीं है? जो ब्राह्मण नेता वे बोलते क्यों नहीं, किसी भी पार्टी में हो चाहे वो क्यों नहीं बोलते? समाज के अंदर टकराव के लिए, समाज के अंदर दूरियां पैदा करने के लिए ये बयानबाजी की जाती है। ब्राह्मणों को वोट बैंक के नाम पर बदनाम ना किया जाए। नवीन जैन, कहीं ये जिस तरह से आदानी का मामला उठा हुआ है और बजट जिस तरह से संतुष्ट नहीं है, लोग उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ये तो ध्रुवीकरण तो नहीं कर रहे? नहीं, ये बात मुझे तो ऐसा लगता है, या तो ये फिर अडानी ने जो मामला चला हुआ है, लोग देश के जो लोग हैं वे नुकसान हो रहा है, बजट सेशन चल रहा है इनका, उसको ध्यान बटाने के लिए, या तो फिर ये पंडितों को आगे कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली दो, ध्यान भटकाओ, ब्राह्मणों को गाली दो, वोट पाओ,
इस सैटर्जी पे ये चल रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये बताओ श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में जिक्र कर रखा, तो भगवान श्री कृष्ण को भी पंडितों ने बताया क्या? रामचरितमानस में वाल्मीकि भगवान है, वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि भगवान को भी पंडितों ने बताया क्या? कभी रामचरितमानस को गाली दें, कभी पंडितों ने गाली दें, कभी पंडितों ने विदेशी बतावे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जो अब सफाई दे रहे हैं, नहीं नहीं पंडित की जगह हमने तो विद्वान कहा है, हमने तो ये कहा है, तो ये अपनी सफाई जो देनी है, माफी मांगनी है, खुदा के दे। 2024 के इलेक्शन से पहले ध्रुवीकरण तो नहीं कर रहे हैं ये? पूरी तरह से मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे को ये बता दीजिए, ये कह रहे हैं जातियां पंडितों ने बना दी, तो यार हरियाणा में जाट नॉन जाट, हरियाणा में पंडितों ने करवा दिया गे, देश में हिंदू मुसलमान पंडितों ने करवा दिया गे, गुजरात में पटेल वर्सेज नॉन पटेल पंडितों ने करवा रखा है, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज नॉन मराठा पंडितों ने करवा रखा है। तो पंडितों को बदनाम ना करें, और ये मुझे लगता है सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये चीज की जा रही है। और अगर ये प्लानिंग के तहत नहीं करी गई, गलती हो रही है, तो गलती माफ कर, गंगा जी में नहा ले, और अपनी जो औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर है वह निकल जाएगी, गंगा जी में नहा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।